वहीं इंदौर में शहरवासियों को जल्द ही जवाहर मार्ग में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी, जिसका काम शुरू हो गया है, जिसके चलते नगर निगम की टीम ने जवाहर मार्ग ब्रिज को गिराने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक जवाहर मार्ग ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य शॉर्ट टेंडर कर 11 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जवाहर मार्ग शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग माना जाता है, जो प्रमुख बाजार सियागंज को अन्य जगहों से जोड़ता है। हमारा पहले अनुमान था डिसमेंटलिंग में शायद 4-5 दिन का समय लगेगा, लेकिन इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हुए बात निकल कर रही है कि आज शाम तक ही डिसमेंटलिंग का काम 100% पूरा हो जाएगा। कि आगामी 11 तारीख को हम लोग इस नए पुल को बनाने का काम भी शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ जो वैकल्पिक मार्ग हैं, जो चंद्रभागा और चंबाबाग से हैं, उन पर भी काम चालू है, उनको भी हम लोग आज से लेकर दिन में और रात में करके खत्म कर देंगे। कल से यातायात का जो आवागमन है वो भी सुचारू रूप से चालू है।